सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र जारी है। शुक्रवार को विधानसभा में नगरीय विकास पर चर्चा की गई। इसी कड़ी में सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर के प्रमुख मार्गों, इमारतों, कॉलोनियों के नाम बदलने की मांग की। वहीं उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में बताया कि 2027 में त्रिशताब्दी समारोह हर्षोल्लास से मनाने को आतुर विश्व का सर्वश्रेष्ठ महानगर जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नया इतिहास रचने को बेताब है। विधायक शर्मा ने कहा कि गरीबों को आवश्यक सुविधाएं देकर व्यवस्थित रूप से पट्टे देकर बसाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तो कमजोर और भ्रष्ट नगर निगम और दूसरी ओर निरंकुश जेडीए मिलकर न्याय और अमन चैन के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, भू माफिया का शिकार हो रहे द्रव्यवती नदी के किनारों को उनसे मुक्त कराना चाहिए। वहीं पत्रकारों के लिए भी विधायक शर्मा ने कई मांग की। इस दौरान सदन में विधायक गोपाल शर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। हम देश बनाएंगे ऐसा, मैं क्या करूं, बेबस हूं, नहीं तो मैं तो आपके पिताजी का प्रशंसक हूं। साहब मेरा समय अभी मत शुरू करिए, इनको बैठाइए। शुरू हो गया आपका, उनका अंकित नहीं हो रहा क्या? हम देश बनाएंगे ऐसा आजादी जिसमें बस्ती हो, चिर शांति सुमति उन्नति सरिता, पग पग पर आकर मिलती हो। आदरणीय सभापति महोदय, बोलने के लिए बहुत बहुत आभार, बोलने देने के लिए। पक्ष प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्यों की कृपा का आकांक्षी हूं। प्लीज सदस्य, 2027 में कृपया डिस्टर्ब नहीं करें। 2027 में त्रिशताब्दी समारोह हर्षोल्लास से मनाने को आतुर अद्भुत महानगर जयपुर, युग पुरुष लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में नया इतिहास रचने को बेताब है। नगर नियोजन की दृष्टि से और भौम रेखा चित्र की दृष्टि से सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र नव जयपुर का ऐसा हिस्सा है जो विश्व प्रसिद्ध परपकोटे की दिशा में उड़ते हुए स्वर्ण मयूर और पक्षीराज गरुण का दृश्य उपस्थित करता है। इसके चारों तरफ विधानसभा भवन, सचिवालय, सेंट्रल पार्क, गोविंद देव जी जाने वाला मार्ग, जयपुर रेलवे स्टेशन जैसी अमूल्य रत्नावलियों की श्रृंखला है और 8 करोड़ जनता के मुख्य सेवक श्रीमान भजन लाल जी शर्मा कोहिनूर हीरे की तरह शोभा बढ़ा रहे हैं। 16.28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 1,62,79,404 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 3.83 लाख आबादी, 2,49,637 मतदाता और राजस्थान की जनसंख्या और मतदाताओं के तुलनात्मक अध्ययन के हिसाब से 10,920 फर्जी मतदाताओं वाला यह क्षेत्र न्याय का इंतजार कर रहा है। इस क्षेत्र में 28 कच्ची बस्तियां हैं, 30,000 आबादी रहती है। इसमें ज्यादातर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं। 15-20 हजार थड़ी ठेले वाले हैं। इन्हें व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। मैं सोचता हूं क्या ये मनुष्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने भी सभापति महोदय कहा है कि इनको बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंका जा सकता। कच्ची बस्तियों में नारकीय जीवन जी रहे हैं। बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, नहाने को साबुन नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। हर मौसम में सिसकते और बिलकते, बरसात में टांड पर खाना बनाते हैं और गर्मियों के अंदर शाम होने का इंतजार करते हैं। एक ही कारण है कि
कि ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, इनको आवश्यक सुविधाएं देकर व्यवस्थित रूप से इनको बसाए जाने की जरूरत है। इनके बिना कैसा नगरीय विकास, ये थोथा है नगरीय विकास। सभापति महोदय, कलेक्ट्रेट से राजमहल पैलेस तक 400 करोड़ की लागत से बनाई जाने वाली एलिवेटेड रोड का भरे मन से स्वागत करता हूं, इसलिए कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जो बैठक हुई, किसी ने भी उस एलिवेटेड रोड का समर्थन नहीं किया। सबने कहा क्यों बनाई जा रही है, हमको पता ही नहीं है, हम लोगों को भी पता नहीं है। जयपुर में कांग्रेस के शासनकाल से जयपुर विकास प्राधिकरण के रूप में एक ऐसा उन्मत्त सफेद हाथी घूम रहा है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। माननीय सदस्य, आपका नंबर आ रहा है, बोल देना ना, आपका नंबर आ रहा है। माननीय सभापति जी, कागजी लोगों से रक्षा करिए, आपका नंबर आएगा, सदस्य बिराजिए, आप लोगों से रक्षा करिए। ऐसा उन्मत्त सफेद हाथी घूम रहा है जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। इस दलदल में ईमानदार आईएएस से लेकर मेहनत कश सफाई मजदूर तक बेबस हैं। एक तो कमजोर और भ्रष्ट नगर निगम के आचार व्यवहार और दूसरी तरफ निरंकुश जेडीए मिलकर न्याय और अमन चैन के दुश्मन बने हुए हैं। सभापति महोदय, मेरी विनम्र मांग है कि नगरीय विकास की दृष्टि से सिविल लाइन्स के साथ विद्याधर नगर और हवा महल को केंद्रित, कांवटिया अस्पताल को उन्नयन करने जैसे अर्थहीन शब्द से हटाकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए। इसी तरह से बनी पार्क क्षेत्र में 64 कमरों का हेरिटेज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिस पर चुनाव के नाम पर कलेक्ट्रेट ने 3 कमरे कब्जे किए हुए हैं और उस बहाने रात को आ जाकर के लड़कियों की स्कूल के ऊपर नशाखोरी और ड्रग्स लेने का काम करते हैं। वहां से उन कमरों को हटाया जाए और इसको सह शिक्षा के रूप में तीनों विषयों को लागू करते हुए क्रमोन्नत किया जाए। वहां लगी हुई सरस्वती जी की प्रतिमा निहार रही है कॉलेज बनाने के लिए। सिविल लाइन क्षेत्र में भूखंड उपलब्ध है। मेरी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से प्रार्थना है कि वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए और भारत के सबसे बड़े खेल गुरु, हमारे अपने, हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के अनुसूचित जाति से जुड़े हुए सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाने वाले सतपाल जैसे महाबली के गुरु, पूजनीय गुरु हनुमान के नाम पर वह जगह रखी जाए। अधिवक्ताओं के केंद्र के रूप में कलेक्ट्रेट के आसपास विशाल पार्किंग की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं है। अच्छा होगा कि कलेक्ट्रेट पार्क के नीचे भूमिगत पार्किंग बने और ऊपर 40 फीट ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगे। इससे सारे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, भू माफियाओं का शिकार हो रही द्रव्यवती नदी के किनारों को उनसे मुक्त किया जाए। मेरा निवेदन है कि सुविधा सक्रियता सन्नद्धता की दृष्टि से सिविल लाइन क्षेत्र में भूमि की तलाश करके पत्रकारों के लिए एक बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाया जाए जो विधानसभा और सचिवालय के निकट हो। इससे पत्रकारों की योजनाओं में शामिल भूखंडों की मांग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों पर विचार करते समय अधिस्वीकरण का नियम लागू नहीं किया जाए, क्योंकि ज्यादातर पत्रकार गैर अधिस्वीकृत हैं। विद्वान सभापति महोदय, सिविल लाइन्स में 1-5 दुर्दशा का शिकार शमशान, 3 अतिक्रमण करते कब्रिस्तान, 5 अभावग्रस्त सामुदायिक केंद्र, 32 गंदे और दूषित सार्वजनिक शौचालय और खुले में खड़े होकर नजर आने वाले 102 मूत्रालय हैं। ये हमारे अब तक के नगरीय विकास की तस्वीर है, जिस पर अपराधों से घिरे हुए एक व्यक्ति
उन्मत्त व्यक्ति की 1000 शिला पट्टिकाएं लगी हुई है। 1000 शिला पट्टिकाएं फर्जी पट्टे लेने के नाम पर उनके परिवार के ऊपर FIR दर्ज है। मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या लोकतंत्र के अंदर यह संभव है? आदरणीय सभापति महोदय, इस क्षेत्र में नियमों के खिलाफ बहुमंजिला परिसरों की इतनी भरमार है कि पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने दर्द भरे शब्दों में कहा था कि सिविल लाइंस की सुरक्षा खतरे में है। यह दर्द भरी दास्तान अंधी गली की ओर लेकर जाती है, जिसके जिम्मेदार गुलाबी नगरी को नोचने, खसोटने और चीर हरण में जुड़े कतिपय भेड़िए हैं। मैं किसी का नाम नहीं, माफ करें, मैं दो मिनट, ये दो तीन पेज है, दो पेज है, कल 30 सेकंड, हाँ मैं दो पेज, प्लीज प्लीज, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 सितंबर 1996 को तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री, कांग्रेसी नगरीय विकास मंत्री और IAS कमिश्नर सहित JDA के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे दोषी ठहराया था। यह दास्तान आजादी से शुरू होती है। एक मिनट, मेरे को कभी मत समय दीजिएगा, मेरे सिविल लाइन से जुड़ा हुआ विषय है। एक मिनट, यह दास्तान आजादी से शुरू होती है और तब की घटनाओं के बारे में तत्कालीन महारानी गायत्री देवी ने मेरी स्मृतियों के पेज नंबर 150 पर लिखा है, निजी कंपनियों के साथ अनुबंध होते ही उन्हीं कंपनियों को ठेके मिलते हैं जो संबंधित मंत्री को सबसे अधिक रिश्वत देता है। गायत्री देवी जी लिख रही हैं, एक बार भारी वर्षा से बांध टूट गया, गेट खोल देने पर समस्या का निराकरण हो जाता, लेकिन उस समय बांध का प्रभारी सिनेमा घर में पिक्चर देख रहा था। माननीय सभापति महोदय, मैं सब खत्म, मतलब ये देखिए माननीय महोदय, बस ये है माननीय सभापति महोदय, ये वह जयपुर है, हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी नहीं जानते थे। आदरणीय, मैं कह रहा हूं कभी मत दीजिएगा समय, 15 सेकंड कट रहे हैं। 24 फरवरी 1902 को जयपुर दर्शन करके लौटे महात्मा गांधी ने 4 मार्च 1902 को गोपाल कृष्ण गोखले को पत्र में लिखा था, जयपुर अद्भुत जगह है। सभापति महोदय, हमारी तरफ से कलकत्ते के म्यूजियम में, और उनके माइक चालू हैं, आप बंद करिए। कलकत्ते के म्यूजियम से महात्मा गांधी की बात पर भी एतराज, अंकित नहीं होगा, सारी बातें आपको समय पूरा दे दिया, मान लिए।